जय। भ्राता रावण, आप पुनः शिव की पूजा कर रहे हैं, पुनः वही निरर्थक कर्म। भ्राता रावण, त्यागिए शिव भक्ति को। देवता हमारे शत्रु है, शत्रु है हमारे विचार के, हमारे संस्कार के, हमारे विस्तार के। मैं देवताओं की आराधना नहीं कर रहा, मैं महादेव की आराधना कर रहा हूं। पकड़ो इन पिंडों को, जाओ। ये क्या, सारे नष्ट हो गए? असंभव। एक पिंड शेष है, मैं इसे धरती पर नहीं गिरने दूंगा। इस शक्ति पिंड में देवी सती के शरीर का कौन सा अंग था? इस पिंड में माता सती के दाएं पैर का अंगूठा था देवी। इस अंगूठे में क्या शक्ति थी प्रभु, क्या महिमा थी? माता सती के उस दाएं अंगूठे में उनका तंत्र बसता था। ये तो मेघनाथ है, ये तो यज्ञ कर रहा है, अमोघ यज्ञ। यदि आज इसने ये तपस्या पूर्ण कर ली तो संसार में सदा के लिए ये अजय हो जाएगा। महादेव, मेघनाथ किसकी आराधना कर रहा था? युद्ध में विजयी होने के लिए माता निकुम्बला की आराधना कर रहा था। उसके इसी प्रयास को विफल करने के लिए श्री राम के अनुज लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि वानर उस गुफा में पहुंचे। नल, नील, इस यज्ञ को भंग कर दो। ऐसी पूजा जो अधर्म का साथ दे, इस संसार में उसका कोई काम नहीं है। चाहता हूं कि तुम सीता को माया से भ्रमित करके विवश कर दो, ताकि वो पति रूप में मेरा वरण कर ले। एक बार सीता मेरी हो गई तो इस संसार से राम की प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा।